प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का काफिला शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कंट्रोल रूम पहुंचा। यहां गृह मंत्री ने आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सहित आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शहर में 10 अप्रैल को हुए दंगों को लेकर चर्चा की गई है। इस दंगे में किसकी साजिश थी, इसके पीछे कौन था, किसने अंजाम दिया है, इसे खुलासा होगा। कानून अपना काम कर रहा है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। खरगोन के संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकी सहित 2 और थानों का प्रस्ताव तैयार हुआ है। इसके अलावा निमाड़ रेंज के बटालियन भी तैयार करने की योजना है, जिसमें हालात बिगड़ने पर समय रहते काबू पाया जा सके। करीब आधे घंटे चली बैठक के बाद गृह मंत्री बड़वानी के लिए रवाना हुए। बैठक में आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी तिलक सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह मौजूद रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे कानून व्यवस्था की समीक्षा की क्या कहना चाहिए? पहुंच तो मैं उसी समय गया था, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। रूप और प्रकार अलग था। उस समय किसी और को और उसी और आपका ध्यान था, उसी और मेरा भी। आज समीक्षा में विस्तार से गहन अध्ययन कर लिया, दंगे की जड़ में कौन था, इसके दंगे के पीछे कौन थे, अपराधी कौन थे, जल्दी बड़ी कार्रवाई हो सके। दंगे के दौरान आपने कहा था कि जिनके मकान है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन एक का भी नहीं हुआ। एसपी पर जिसने गोली चलाई उसका भी मकान यथावत है। मैंने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, दंगे के पीछे कौन थे, उनके ऊपर जल्दी बड़ी कार्रवाई। किस प्रकार के निर्देश दिए और प्रस्ताव भी दिए गए, किस प्रकार के निर्देश दिए? और जो सेंसिटिव जोन है उनमें दिल्ली सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की बात हुई है, पुलिस के पैटल बढ़ाने की बात हुई है, निवाड़ क्षेत्र में बटालियन की और स्थापना की बात हुई है। ये सारी बातें नहीं नहीं करिए, सिर्फ भोपाल भी यहाँ से जोड़ के लगातार बातें हम की है। सर, आने के दौरान देखा गया कि पुलिस की कमी रही, तो 2 थाने के प्रस्ताव और बटालियन की बात कर दी पूरी आप, 1-2 पुलिस की बात कर दी। तो खरगोन में ही बनेगी बटालियन? निवाड़ क्षेत्र की बात हुई, पर खरगोन सेंटर ऐसी फोकस नहीं रहे। अच्छा, थाने को लेके भी चल रही चर्चा कि 2 थाने और बनाए जाएंगे अतिरिक्त? हाँ, 2 थाने की भी बात हुई है, एक थाना बिस्तान और एक थाना जैतापुर। फंडिंग की बात आ रही थी बीच में, जो फंडिंग की बात आ रही थी इसमें बीच में, तो कहीं फंडिंग का इसमें जांच वाँच हुई थी? एक एडिशनल एसपी का पदवी स्वीकृत करने की बात हुई, जिसका हेडक्वार्टर बढ़वा करने पर मिला। जो लोग दंगे में चिन्हित होकर जिन्हें जेल भेजा गया है उनके ऊपर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन द्वारा? जो कार्रवाई की जेल भेजा गया तो भी कार्रवाई नहीं हुई है, कह रहे हो? पत्थर आप दोनों ही बातें नहीं, जो मकान ध्वस्त करने की आपने बात कही थी नेस्तो नाम सर, मकान जो ध्वस्त करने की बात हुई, अपना काम कर रहा है मैं, और कोई भी कानून के दायरे से बचेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास। टेरर फंडिंग को लेकर क्या अब तक करेगा? कोई टेरर और कोई फंडिंग दिखेगी नहीं आपके घर में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।